हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया टायर कंपनी रांची। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अपने पास एक और नई सीरीज़ की ग्लव्स आ गई है। काफ़ी टाइम से इसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे कर रहे थे एंड इन्होंने एक सेट लॉन्च किया था ग्लव्स का, जो कि काफ़ी डिमांड में था। अब इन्होंने एक और न्यू वैरायटी ऑफ ग्लव्स लॉन्च की है, बहुत इफ़िशेंट प्राइसिंग में और रीज़नेबल रेट्स में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोर्डा के ग्लव्स की। तो कोर्डा एज अ ब्रांड काफ़ी इवॉल्व कर रहा है एंड पावर स्पोर्ट का ही ये ब्रांड है, तो पावर स्पोर्ट की तरफ से ही ये आपको आ जाता है। एंड इसमें अब इन्होंने तीन चार नए मॉडल्स ग्लव्स के लॉन्च किए हैं। पहले दो तीन मॉडल्स किए थे, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो ये इन्होंने न्यू सेट ऑफ ग्लव्स लॉन्च किए हैं एंड अराउंड डेढ़ दो महीने से ऊपर हो गए हैं ये आते हुए मार्केट में। तो ग्लव्स काफ़ी ही अच्छे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसकी स्ट्रीट सीरीज़ की एंड इसकी एरो सीरीज़ की, एंड एक और सीरीज़ है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। तो नॉर्मली अगर स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो ये ग्लव्स इसके स्टार्ट हो जाते हैं 1500 के रेंज से। तो 1500 में आपको स्ट्रीट ग्लव्स मिल जाता है। अब अगर हम लोग नॉर्मल अभी के सीज़न के हिसाब से देखें या समर सीज़न देखें, सबको क्या रहता है कि ठंड में भी कोई एक मिनिमम ग्लव्स भी चाहिए रहते हैं एंड एक वैसे ग्लव्स चाहिए रहता है जो कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर पाएँ, सिटी कम्यूटिंग में भी थोड़ा ठंड से भी बचा लें एंड गर्मियों में भी नॉर्मल चल जाए। अब लोग बोलते हैं कि ठंड से ज़्यादा नहीं बचाएगा, तो ये बेसिक ग्लव्स है, ये मेश मटेरियल में रहता है तो बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड रहता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं रोकता है। नॉर्मल आपको कुछ नहीं से कुछ सही वाला चीज़ है इस पर। बट इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है एंड स्पेशली अगर हम ये नॉर्मल सीजन में देखें, गर्मियों के सीज़न में भी देखें, तो ये सिटी राइडिंग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट एंड बहुत ही अच्छा ग्लव्स रहने वाला है। तो आइए इसकी डिटेल जानते हैं एंड इसके ग्लव्स के बारे में कुछ बताते हैं आपको। तो पहले आप ग्लव्स के ऊपर आ जाएं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी स्मूथ ग्लव्स लग रहे हैं। कोडा की आपको अच्छी ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पे। प्लस मटेरियल अगर आप देखेंगे तो मैश में बहुत लाइटवेट कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, ब्रीदेबल फैब्रिक है। एंड अगर प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मोल्डेड नकल्स मिल जाते हैं, प्लस यहाँ पर भी एक आपको पैडिंग मिल जाती है। पीछे की साइड अगर आएँ तो यहाँ पे ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मटेरियल आपको लगाया हुआ है, प्लस यहाँ पे भी आपको फोम पैडिंग मिल जाती है। तो ये दो तीन चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब इम्पैक्ट प्रोटेक्शन जैसे मैं बोल रहा था, तो मोल्डेड नकल्स हैं तो वो HD फोम की बैकिंग के साथ आते हैं, जो कि आपको वही नॉर्मल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं और CE अप्रूव स्टैंडर्ड्स को भी मीट करते हैं। फिटिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, कम्फर्टेबल ग्लव्स है और एडजस्टमेंट फैक्टर भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। लाइक यहाँ पे भी आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है, प्लस नॉर्मली ग्लव्स को पुल करने के लिए, पहनने के लिए भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप इसके हेल्प से अंदर पुश कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर जैसे मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ तो यहाँ के अलावा यहाँ से आप इसे देखिए कितनी ईजिली पुश हो गया है अंदर। तो ये एक फिटिंग आपको अच्छी मिल जाती है। अब पहनने के बाद जो मेन ग्रिप एरियाज रहते हैं, जैसे यहाँ पे जो ग्रिप एरिया हो गया जब आप पकड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा ग्रिप एरिया मिल जाता है, इस साइड पे अच्छा ग्रिप एरिया मिल जाता है, काफ़ी अच्छा रहता है। प्लस जैसे मैंने बोला नॉर्मल मोल्डेड नकल्स हैं तो वो भी अच्छा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। थोड़ी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर भी मिल सकती है फिंगर्स पर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हर फिंगर पर थोड़ा थोड़ा आपको अलग से सॉफ्ट मटेरियल का दिया हुआ है जो पैडिंग, वो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बेसिक सिटी राइडिंग ग्लव्स है तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है या इस पर बहुत ज़्यादा कुछ वैसा नहीं दिया हुआ है प्रोटेक्शन, बट सिटी राइड के हिसाब से काफ़ी अच्छा ग्लव्स है एंड काफ़ी ही वेंटिलेटेड अच्छा ग्लव्स रहने वाला है ये। और ब्रांडिंग भी अच्छी मिल जाती है, यहाँ तक भी आपको फोम की पैडिंग मिल जाती है। प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 1500 के प्राइस रेंज में आता है। एंड कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो इसमें भी तीन चार कलर ऑप्शंस आते हैं। दो कलर ऑप्शन जैसे ये हो गया, एक रेड हो गया, एक नियॉन के शेड में हो गया, एक इनका ब्लैक ग्रे का शेड आता है। और भी एक दो कलर ऑप्शंस आते हैं, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। साइजिंग स्मॉल से लेकर XL to XL तक आती है। तो ये एक अच्छा ग्लव्स रहने हो गया। अब इसके सेकेंड ग्लव्स पे आते हैं। तो अब नेक्स्ट ग्लव्स जो अपने पास है वो है इसकी एरो सीरीज़। अब इसके अगर मैं डिटेल्स में आऊँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी हुई है। तो सबसे पहले नकल्स पे आते हैं, नकल्स आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको उससे थोड़ा प्रीमियम नकल्स दिख रहा है, जो स्ट्रीट पे था उससे थोड़ा प्रीमियम दिख रहा है। ये आप में 3D नकल प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ही अच्छे रहते हैं एंड नॉर्मल उससे मजबूत रहते हैं। अब अगर आप इस एरिया को देख रहे हैं तो इसमें अगर आप मटेरियल का देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैश भी है, प्लस लेदर भी है, मिक्सचर है सब चीज़ का।
तो वो एक काफ़ी अच्छा मटेरियल हो जाता है। प्लस नॉर्मल अगर देखेंगे तो लाइट वेट ग्लव्स है, ब्रीदेबल है एंड फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। 3M स्कॉटलाइट रिफ्लेक्टर्स के भी यूज़ किए हुए हैं एंड सुपर फैब्रिक का भी यूज़ किया गया है इस पर, जो कि आपको प्रोटेक्शन वाइज अच्छा हो जाता है। जैसे यहाँ के प्रोटेक्टर्स अलग हो गए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा एक अलग प्रोटेक्शन मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। प्लस अगर आप हैंड एरिया पे आएंगे, फिंगर्स पे आएंगे, तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे भी ये थोड़ा प्रोटेक्शन है, यहाँ पे अलग प्रोटेक्शन है। पीछे के साइड आएंगे तो जैसे मैंने बोला सुपर फैब्रिक का यूज़ किया गया, तो ये एब्रेशन रेजिस्टेंस में काम करता है। जब आप गिरते हैं तो ये आपको एक अलग सपोर्ट मिलता है। फिर इस पे एरिया पे भी जैसे मैंने उस ग्लव्स में भी दिखाया था आपको, स्ट्रीट ग्लव्स में, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेसिकली जैसे मैंने पहले भी बोला, आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जब आप थ्रॉटल लेते हैं या ब्रेकिंग करते हैं तो वो एक ग्रिप आपको पकड़ के रखता है हैंडल पे, तो ये उस पे काम आती है। प्लस आपके जो प्रीवियस ग्लव्स आया था उस पे भी, वो भी आपको फिंगर टच सेंसिटिव था एंड टच कंपैटिबल था। आप फ़ोन उस पे भी यूज़ कर सकते थे, जैसे मैंने स्ट्रीट सीरीज़ दिखाया था, तो इस पे भी फ़ोन यूज़ हो सकता है एंड एरो सीरीज़ इस पे भी यूज़ हो सकता है। ग्लव्स अगेन इस पे भी आपको सेम वही प्रोसेस दिया हुआ है अंदर डालने के लिए। फिट एंड फिनिश की अगर बात करूँ तो आप देख सकते हैं, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ पहन के। अब इस पे आप ये भी मटेरियल देख सकते हैं, थोड़ा अलग डिफरेंट मटेरियल है पहले के हिसाब से एंड काफ़ी ही अच्छा कंफर्टेबल ग्लव्स है। प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है एंड इजी टू फिट लग रहा है एंड कंफर्टेबल भी लग रहा है, पहनने में भी आराम लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा ग्लव्स आ जाता है। प्राइस रेंज इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये 2250 के रेंज में है। अगेन इस पे भी कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो जैसे ये नियॉन हो गया, इसका रेड भी आता है, इसका प्लेन ब्लैक भी आता है, तो 3-4 अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। साइजेस अगेन स्मॉल से लेकर XL to XL तक आते हैं। तो अब इनकी थर्ड ग्लव्स जो लॉन्च हुई है उसके बारे में भी बता देता हूँ, वो इससे और थोड़ी ऊपर सीरीज में जाएंगी, उसको भी कवर कर देता हूँ। तो अब जब नेक्स्ट ग्लव्स अपने पास है वो आप देख सकते हैं, ये हो गया। अब इस पे अगर आप जाएंगे तो पहले फैब्रिक, जैसे मैंने बोला आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेश मटेरियल है, यहाँ कोडा की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई क्वालिटी नायलॉन मटेरियल से बना हुआ है, तो एरी ग्लव्स है ये भी, वेंटिलेटेड है जैसे मैंने बोला। प्लस उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रोटेक्शन यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ नकल प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा अगर आप पीछे की साइड पर आएंगे तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रोटेक्टर्स मिल जाते हैं। तो एक इंजेक्टेड आपको मोल्डेड नकल आर्मर्स मिल जाता है और ये पाम स्लाइडर्स हो जाता है, ये आप जब आपका गिरते हैं या कुछ होता है इम्पैक्ट तो ये स्लाइड करता है, तो ये स्लाइडर्स अच्छे काम आते हैं। तो ये पाम स्लाइडर्स आपको लगे हुए हैं इस पर, जो कि अच्छे मटेरियल के हैं एंड सपोर्ट देंगे आपको, एब्रेशन में भी बचाएंगे। प्लस इस साइड पे आप मटेरियल देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे भी स्टिचिंग अलग की गई है, प्लस यहाँ पे भी किया गया फिंगर्स के पास, जो कि आपको पकड़ के रखता है। तो प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये एक्चुअल में 2650 का है, बट कंपनी से इस पर ऑफर चल रहा है एंड ये आपको 2100 के रेंज में मिल जाएगा। तो ये तीन ग्लव्स अभी इसके काफ़ी पॉपुलर चल रहे हैं, आपको 1500 से लेकर 2250 हो गया, 2000-2100 हो गया, इस रेंज में आपको बेसिक सिटी राइडिंग ग्लव्स मिल जाएंगे। तीनों ही ग्लव्स काफ़ी अच्छे हैं, भले 1500 वाला इसका स्ट्रीट सीरीज़ हो, भले एरो सीरीज़ हो या ये हो, स्ट्रीट और एरो भी काफ़ी डिमांड में हैं, तो आप ज़रूर इसे कंसिडर कर सकते हैं। जो भी जिन्हें भी एक ऐसे सेकेंडरी ग्लव्स भी चाहिए या नॉर्मल ग्लव्स भी चाहिए तो इस ब्रांड को भी कंसिडर कर सकते हैं, ये ग्लव्स के ऑप्शंस को भी कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी ही कम्फर्टेबल एंड एरी ग्लव्स है, वेंटिलेटेड समर राइड्स पर भी काफ़ी काम आने वाले हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाते रहूँ एंड कुछ आइडिया आपको मिलते रहे कि मार्केट में क्या अवेलेबल है एंड क्या आपको मिल सकता है। बाकी आपको पता ही है कि ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, जिन्हें भी चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे।